हम दोनों के लिए ये बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारी बेटी फिल्म की दुनिया में कदम रख रही है। हमारे लिए इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है? इनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए, जो खुद एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी है, मेरे लिए तो फिर से शुरू हो गई। बेटी का फंक्शन है, तुम्हारा नहीं। लगता है मेरे दोस्तों ने सरप्राइज पार्टी दी है, पर मुझे यहां बोला के सब गायब कहां हो गए? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? यहां तो सब एक्टर्स, जर्नलिस्ट और मॉडल्स दिखाई दे रहे। ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेता हूं। अब सुन भाई, वो आदमी कौन है? तुम उसे जानती हो? नहीं मैम, मैं तो नहीं जानती। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पार्टी बड़ी अच्छी है। हमारी पार्टी है सर। आपकी? मैंने सोचा मेरी पार्टी है। अरे आप तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। कैन आई सी योर इनविटेशन कार्ड प्लीज? ओह श्योर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स। रॉन्ग इनविटेशन मैम। मैं ठीक कर देता हूं मैडम। कौन है? किसने धक्का मारा? कौन है? कौन? कौन? ये लाइट को क्या हुआ है? मैनेजर! मैनेजर! क्या प्रॉब्लम है? यस मैम। मॉम, मॉम आपका हार? हार चोरी हो गया? सिक्योरिटी, गेट बंद कर दो। चल, देखिए आप लोग यहीं रुके रहेंगे, कोई यहां से नहीं जाएगा, प्लीज। सबकी तलाशी हो। लगता है मैंने यहाँ के बहुत बड़ी गलती की है। दोस्तों नहीं मिले, एसीपी साहब मुझे कच्चा चबा जाएंगे। यहाँ से निकलना पड़ेगा। रोको रोको रोको, ए छोड़ो, क्या कर रहे? पकड़ लो उसे। अरे यहाँ निकल आ। क्या है? मुझे इस आदमी पर पहले से ही शक था, तो वैसे भी बिन बुला इस पार्टी में आया है। पुलकित, इसकी तलाशी लो। देखो मैं तलाशी नहीं दूंगा, ये मेरी इंसल्ट है। तलाशी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। तुम सबकी तलाशी लो, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मैं चोर लगता हूँ आपको? अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम्हें तलाशी देने से क्या डर? पुलकित, इनकी तलाशी लो। ले लो, आराम से ले लो। ये तो दिया कहाँ है? ये ब्रेसलेट इसके पास था, तो हार भी इसी के पास होगा। अरे हार इसी ने चुराया होगा। पुलकित, इनकी तलाशी फिर से लो। आप लोगों को मालूम नहीं है मैं कौन हूं? हार इसकी जेब में नहीं है। तुम ऐसे नहीं बताओगे, है ना? सीआईडी को फोन करो। यस सर। अरे नमस्ते। आपने मुझे बुलाया? देखिए मैं जानती हूँ उस दिन माजी की कई बातें आपको बुरी लगी होंगी। दरअसल पहले मुझे भी आप पे बहुत गुस्सा आया था। अब मैं क्या कहूँ? बस एक एसीपी होने के नाते मैंने एक मुजरिम को सजा दी। मैं आपसे एक वादा करता हूँ,
आपके पति के लिए मेरे तरफ से जो भी हो सके मैं जरूर करूंगा। आप रेडी? व्हाट? डैम फूल। ठीक है, हम सभी आते हैं उधर। हाँ, ओके। देखिए शैला जी, आप चाहे कितनी बड़ी सुपरस्टार क्यों ना हो, अपने किसी मेहमान पे इस तरह से चोरी का इल्जाम लगाने का आपको कोई हक नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये बिन बुलाए मेहमान, और दूसरी बात ये कि इनकी जेब में से ब्रेसलेट निकला है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? ब्रेसलेट? इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपने ऑफिसर से पूछ लीजिए। रेडी, क्या कह रहे हैं लोग, तुम्हारी जेब में से कोई ब्रेसलेट निकला है? तो वो सर वो कुछ नहीं सर, सर किसी ने मुझे फंसाने के लिए जेब में डाल दिया सर। फ्रेडरिक सर ठीक कह रहे हैं सर, इन्हें कोई फंसा रहा है। फ्रेडरिक, तुमने मुझे ब्रेसलेट के बारे में क्यों नहीं बताया? ये लोग सच बोल रहे हैं? सर ये बात तो सच है कि ब्रेसलेट मेरी जेब में से मिला है, लेकिन सर ये भी सच है कि ब्रेसलेट मैंने नहीं चुराया सर, किसी ने मुझे फंसाया सर। दारू पिए थे? नहीं। अब आपको क्या कहना है सर? अरेस्ट करिए अपने ऑफिसर को, मुझे मेरा हार हर कीमत पर चाहिए। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है सर, हमारे एक ईमानदार ऑफिसर के ऊपर चोरी का घटिया इल्जाम लगा रही है। केस और मीडिया यहाँ मौजूद है, कल को ये खबर मिर्च मसाला लगा के सब जगह छाप देंगे। ये जो चोरी का इल्जाम फ्रेडरिक्स पर लगा है हम उसे मिटा कर रहेंगे, असली चोर को हम किसी भी हालत में पकड़ लेंगे। हमें आपके क्लब की अच्छी तरह से तलाशी लेनी है। ठीक है अभी दया, क्लब की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो गुना गुना छान मारो, और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सबकी तलाशी लो। मुझे मेरा हाल किसी भी कीमत पर चाहिए, आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, वो मेरा पुश्तैनी हार है। शैला जी, हम आपसे वादा करते हैं आपका हार हम ढूंढ कर ही रहेंगे। सर, आते क्लब की अच्छी तरह से तलाशी ले लिए सर, यहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं उनकी भी तलाशी ली, पर हार कहीं नहीं मिला। सर इनके हिसाब से हार चोरी होते ही बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, कोई आदमी बाहर गया भी नहीं। बहुत अजीब बात है सर, ऐसा लगता है जैसे हार हवा में उड़ गया। सर, अब एक ये देखिए, ये तो खून है, क्या आगे भी है? देखते हैं। गायब हो गए, पहले ये हार की चोरी और अब ये खून के निशान, कहीं किसी का खून तो नहीं हो गया? मशहूर एक्ट्रेस शैला जी की बेटी दिया के फिल्म लॉन्च पार्टी के दौरान उनका बहुत महंगा हार चोरी हो गया है, पार्टी में सीआईडी ऑफिसर फ्रेडरिक भी मौजूद। फ्रेडरिक, तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीना छोड़ दिया, अगर इसमें लिखा है कि तुम दारू पीकर जमीन पर गिर गए थे सब झूठे सर, झूठे। सर अगर ये मुझे अपने साथ ले जाते तो सब कुछ ठीक होता सर। तू आग मत लगा, अरे यार मैं पिया हुआ नहीं था, फ्रूट जूस पीने से कोई टूट नहीं होता समझे? फ्रूट जूस? हाँ फ्रूट जूस। रेडी, जरा वो फ्रूट जूस हमें भी पिला दो, हैं? हम भी जरा ऐसे ही। किसी ने मुझे फंसा दिया सर। सर ये लाइट्स ऑफ होने के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ सर? अरे किसी ने मुझे धक्का दे दिया यार। धक्का मारा? किसने मारा धक्का, कुछ याद है? पता नहीं सर, शायद कोई लड़की होगी सर। अरे लड़की नहीं थी यार सर, लीची थी। लीची? लीची ने धक्का मारा? वो सर पता नहीं क्या पी के रखा था इसने, लीची ने धक्का मारा। सीआईडी की इज्जत का सवाल है इसलिए सब बकवास सुन रहा हूं मैं तुम्हारी, समझे? दो चोरियां होंगी, उसमें से एक ब्रेसलेट इस चिरंजीव के जेब में से, पता नहीं वो दूसरा कीमती हार कहां गायब हो गया। अब होश में आके और ठीक से याद करके बताओ ये जो लीची है वो तुमसे टकराई कैसे? सर
अंधेरे में किसी ने मुझे धक्का दिया और उसी टाइम मेरे नाक में बहुत जोर से लीची आइसक्रीम की खुशबू घुस गई। एकदम पक्का लीची आइसक्रीम की खुशबू थी? हाँ सर, 100%। पर आपने तो पी रखी थी सर। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। अभिजीत एक काम करो, शहर में जितने भी आइसक्रीम पार्लर्स और रेस्टोरेंट हैं, सब में जाकर लीची आइसक्रीम खाओ और फ्रेडरिक्स को सिर्फ सुनाओ। बता करो साहबजादे को कौन सी खुशबू आई थी। देखो सर, यही है, यही वो लीची आइसक्रीम की खुशबू है जो मुझे पार्टी में आई थी सर। कल वो फिल्म हीरोइन शैला के फंक्शन में आप ही ने भेजी थी आइसक्रीम? हाँ जी हाँ सर। सर एक मिनट, मैं उसे बुलाता हूँ जो आइसक्रीम लेकर गया था। रमन इधर आना। जी सर। ये लोग CID से आए हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। CID? अब जरा इस तरफ आइए। बाहर आइए आप जल्दी। ये क्या कर रहे हैं सर? यही वो आदमी है, यही है। तो तूने ही वो ब्रेसलेट इसके पॉकेट में डाले? अंधेरे में तू ही टकराया था ना मेरे से। साहब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे किसी ने पैसे दिए थे। किसने? कौन है वो? शायला मैडम है ना, हीरोइन, उनकी सेक्रेटरी प्रशिता ने। सेक्रेटरी? मैडम की सेक्रेटरी ने पैसे दिए थे? जी जी। पैसा कमाने के लिए आप लोग अपने अखबार में कुछ भी छाप देंगे? हाँ, मैं आगे से आप लोगों को नहीं बुलाने वाली हूँ, समझे आप लोग? प्रतीक्षा जी। अरे आप लोग ऐसे अचानक अंदर? क्या हुआ, पेपर में कुछ गलत सलाह छाप दिया क्या? हाँ सर, ये अखबार वाले कुछ भी छाप देते हैं। हाँ कम से कम ये तो पूछ सकते थे कि वो आइसक्रीम कहाँ से आई। आइसक्रीम? हाँ लीची। लीची आइसक्रीम? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अच्छा तुम्हें नहीं पता हम लोग क्या कह रहे हैं? देखो रमन पकड़ा गया है, अब तुम अपना मुंह खोलो। सर हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। ब्रेसलेट का चोरी होना, लाइट का जाना, ये सब एक नाटक था। नाटक? कैसा नाटक? सर दिया की पब्लिसिटी के लिए, हम लोग चाहते थे कि दिया मीडिया में छाई रहे। मेरे जैसे एक बड़े CID ऑफिसर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमें क्या मालूम था कि आप एक CID ऑफिसर हैं? हाँ CID ऑफिसर, और वो भी बहुत पहुंचे हुए हैं, समझे? लेकिन सर हमें ये पता नहीं था कि वो हीरो का हार सच में चोरी हो जाएगा। मतलब ये हार का चोरी होना ये ड्रामा नहीं था? हा? नहीं सर, हीरो का हार सच में चोरी हुआ है। वैसे ये ड्रामा का आइडिया किसका था बोलो? शायला मैडम का। शायला? ये फिल्म वाले भी पब्लिसिटी के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, और कुछ नहीं तो पार्टी रख दी, अपना हार चोरी करवा दी और ब्रेसलेट हमारे ऑफिसर फ्रेंडिस के जेब में रखवा दी। सर ये लोग अपनी ज्वेलरी को फेंके, चुराए या कुछ भी करें, लेकिन एक CID ऑफिसर को फंसाने की क्या जरूरत है? करेक्ट सर, एकदम करेक्ट बोला। मेरा तो मुर्गा बन गया बिना बात के। पर हर बार ऐसा क्यों होता है कि आप ही फंस जाते हो? देख भाई वो ऐसा है, जब तक लॉटरी का टिकट खरीदेगा नहीं तब तक तेरी लॉटरी कभी लगेगी नहीं, समझे? सर मैं आपके फंसने की बात कर रहा हूँ, लॉटरी की नहीं। फ्रेडरिक से विवेक तुम्हारी इज्जत का फालूदा बना रहा है, बताओ उसे वहाँ पर क्या हुआ था। अब क्या बताऊँ सर, सब लोग तालियां बजा रहे थे, मैं भी बजा रहा था। मतलब गिरने तक फ्रेडरिक तालियां बजा रहा? सर 3 बार केक कटा, 3 बार तालियां बजी और तीनों बार गुब्बारे ऊपर से नीचे आए। एक मिनट क्या कहा तुमने, गुब्बारे ऊपर से नीचे आए? हाँ सर। तो वहाँ पे ऊपर गुब्बारे लटके हुए थे जो अचानक नीचे आ गए? सर कहीं ये। हाँ दया, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। फिर से सेंचुरी गोल्ड क्लब में चलते हैं। ये हॉल उस पार्टी के बाद बंद ही है ना, किसी ने खुला बोला तो नहीं?
नहीं सर, पार्टी के बाद वैसे का वैसा ही है। और सर ये है विशाखा, उस दिन पार्टी का सारा अरेंजमेंट इन्होंने किया था। हेलो सर। विशाखा ये गुब्बारों का क्या चक्कर है? सुना है कि गुब्बारे तीन तीन बार ऊपर जाकर नीचे आ गए थे, ये सब हुआ कैसे? एक्चुअली सर गुब्बारों में गैस भर के नायलॉन के धागे से बांधकर उन्हें ऊपर लटकाया गया था। हो सकता है कि पार्टी के दौरान गैस कम हो गई हो इसलिए गुब्बारे नीचे आ गए होंगे, लेकिन सर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गुब्बारों में गैस भरकर उन्हें नायलॉन के धागे से बांधकर ऊपर छोड़ा था। रेडी, जब ये शायला का हाथ चोरी हुआ था तो ये शायला कहाँ खड़ी थी? शायला सर मैं यहाँ खड़ा था सर, शायला यहाँ खड़ी थी सर। शायला का जब हार चोरी हुआ तब शायला यहाँ खड़ी, गुब्बारों में गैस भरकर उन्हें नायलॉन के धागे से बांधकर ऊपर छोड़ा था। अभिजीत? यस सर। सर ये शैंडिलियर का ही कुछ चक्कर है सर, तो गैस के बलून्स बार बार ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। तो हो सकता है जिसने भी अंधेरे में शायला का हार चुराया उसने वो हार उस नायलॉन के धागे में बांध कर, जैसे ही हल्ला हुआ लोग नीचे ढूंढ रहे थे हार, ऊपर किसी की नजर गई, हार ऊपर ही लटका हुआ था। मैनेजर साहब, पार्टी खत्म होने के बाद यहाँ पे कोई और आया था क्या? नहीं सर, सिर्फ हमारे क्लब के साफ सफाई करने वाले लोग ही आए थे और कोई नहीं। साफ सफाई करने वाले लोग? सर ये लोग उस दिन आए थे, ये सुरेश, पंकज, जितेंद्र, सुधीर और रमेश का है। रमेश तो आज काम पे नहीं आया था, तो कल रात को उसका फोन आया था, बता रहा था कि उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो वो कुछ दिन तक काम पे नहीं आएगा। ये शायला की पार्टी के बाद झूमर रमेश ने ही साफ किया था क्या? जी सर, ये उसी का तो काम है, उस दिन पार्टी के बाद भी उसी ने झूमर साफ किया था और बहुत टाइम लगाया था उस दिन। इसका मतलब सर ये है कि रमेश ही आखिरी आदमी है जो हॉल से सबसे आखिर में निकला था। फिर क्या हुआ, तुम्हें कुछ मालूम है? फिर क्या हुआ ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन हाँ बाद में वॉचमैन ने बताया कि रमेश यहाँ से किसी गाड़ी में बैठकर गया साहब। क्या रमेश गाड़ी में? लेकिन उसके पास तो गाड़ी है ही नहीं। अभी लगता है ये गाड़ी उस हार चुराने वाले की ही है, असली चोर की है। रमेश का एड्रेस दो हमें, हम लोग सीआईडी से, हमें उनसे कुछ बात करनी है। घर पे आया वो? जी वो तो घर पर नहीं है, वो तो गांव चले गए। गांव चले गए अचानक? लेकिन किस लिए? जी वो जमीन का टुकड़ा गिरवी पड़ा हुआ था उसे छुड़ाने गए हैं। तो अचानक कहीं से बहुत पैसे मिल गए होंगे हैं? जी हाँ 2 लाख। 2 लाख? जरा अंदर जाके देखो, मैडम सच बोल रही है कि नहीं। ये पैसे आए कहाँ से है? जी सच तो मुझे भी मालूम नहीं सर, वैसे मैंने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन जिस दिन वो पैसा लेकर घर आए थे बहुत परेशान लग रहे थे। जी कोई नहीं है, देखिए एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है और हमेशा क्या कि रमेश का भी इसमें हाथ है। हे भगवान, क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं, चोरों ने रमेश को पैसे दिए होंगे। आप ये बताइए पिछले 2 दिनों से रमेश कहाँ कहाँ गया था? सर वैसे तो वो काम पर ही जाते थे लेकिन जिस दिन वो पैसा लेकर घर आए थे उस दिन काम पर जाने से पहले कहीं और जाने की बात कह रहे थे। काम? क्या नाम था उस जगह का? हाँ वो वाइट विला अलीबाग। वॉचमैन गेट खोलो, बंगला किसका है? शैला मैडम का। क्या? हाँ सर ये शैला मैडम का ही बंगला है। शैला मैडम का बंगला? इसका मतलब शैला रमेश को जानती है। हाँ सर रमेश इसी बंगले पे आया था पैसे लेने के लिए। और ये फर्नीचर कहाँ ले जा रहा है? ए, एक मिनट रुको, नीचे रखो यहाँ पे। अरे सीआईडी? सीआईडी ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शायला चलो देखते हैं। प्लीज एक जाने दीजिए, हट जाइए। एक्सक्यूज मी
ये सब क्या हो रहा है? यही बात हम आपसे पूछ रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये फर्नीचर कहाँ ले जा रहा है? सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को मेरा हार मिला? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप लोग किसी रमेश नाम के आदमी को जानते हैं? रमेश? जी नहीं। खैर छोड़िए, ये फर्नीचर जा कहाँ रहा है? दरअसल वो एक कबड़ यही रखो, जरा चेक करना पसंद करेंगे। चाबी कहाँ? चाबी? जी नहीं, वो दरअसल ये बहुत पुराना कबड़ है, इसलिए अब चाबी कहीं खो गई है हमसे। मैं फिर आपका पर्स दिखाइए। पर्स? क्यों? शायद आपने इसमें रखी हो और आप भूल गई हो। देखिए मैम, मैंने कहा ना आपसे, मेरे पास चाबी नहीं है। मैम सर, ये देखिए, ये चाबी का गुच्छा मिला है। जरा लगा के देखो, शायद इनमें से कोई चाबी हो। देखिए मैम, सर खुल गया। हार यहाँ कैसे आया? ये तो चोरी हो गया था। मेरा हार? हाँ? यहाँ कैसे? ये हम भी पूछ रहे हैं, ये हार यहाँ कैसे पहुंचा है? अभिजीत सर, ये हार जब चोरी हुआ था ना, वहाँ पे खून की कुछ बूंदे पड़ी हुई थी, कहीं ये खून वही तो नहीं है? सर ये देखिए, कुछ लेटर्स मिले हैं। ये जूता किसका है? ये तो मेरे जूते हैं। ये तो मेरे मुंबई वाले घर में थे, ये यहाँ कैसे आ गए? देखिए शैला जी, अब केस ऐसा हो गया है, हार मिल गया है, जूता मिला है और जूते में खून। हमें आपके बंगले की तलाशी लेनी पड़ेगी। ये ऑफिसर, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने मेरे पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। देखिए शैला जी, एक बजे हो तो बताऊं, आपके घर से हमें इतने सारे सबूत मिले हैं कि तलाशी तो जरा अच्छी तरह से लेनी पड़ेगी। और वो खून जो आपके जूतों पर मिला, कोई जवाब है आपके पास? हाँ, वो सर हमने बंगले को अच्छी तरह से छान मारा है सर, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? यस सर। लाश? संभालो। ये लाश यहाँ कैसे आई? काफी पुरानी लाश लगती है। बंगले के पिछवाड़े में लाश मिली है, घर के किसी आदमी ने गाड़ी होगी ये यहाँ पे। क्यों, ठीक कहा ना मैंने शैला जी? जी आपको क्या लगता है, हम कोई चोर या खूनी है जो किसी को मार के, अरे हम क्यों किसी को मार के अपने ही घर के पिछवाड़े में लाश छुपा देंगे? सर कंकाल के साथ साथ कुछ और भी मिला है सर, ये देखिए सर, खाली बोतल है सर। खाली बोतल? लाश के साथ ये बोतल भी गाड़ दी? सड़ों के साहब, ये हार असली है? हाँ विजीत, ये हार असली है। ये हार असली है? कितनी बार बताऊंगा ये हार असली है? इसका मतलब है शैला जी, आप रमेश को जानती हैं और इस हार के चोरी में आपका भी हाथ है। देखिए मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मैं किसी रमेश को नहीं जानती हूँ, और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि ये हार मेरी कबर्ड में कहाँ से आया। शैला जी, प्रिशिता ने हमें सब कुछ बता दिया है। प्रिशिता ने? जी हाँ शैला जी, आप झूठी पब्लिसिटी के लिए इतना बड़ा खेल खेल सकती हैं तो इस हार की असली चोरी में भी शामिल हो सकती हैं। देखिए मैं मानती हूँ कि दिया की पब्लिसिटी के लिए मैंने आपके ऑफिसर की जेब में वो ब्रेसलेट जबरदस्ती रखवा दिया था, लेकिन ये हार कबर्ड में है ये बात मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी। आप ही सोचिए, मैं अपना इतना कीमती हार कबर्ड में क्यों रखवाऊंगी? पब्लिसिटी और क्या,
देखिए मैम, आप लोग प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और वो लेटर्स, वो कहाँ से आया कबर्ड में? वो मुझे नहीं मालूम। और ये लाश कहाँ से आई आपके बंगले में? वो भी मुझे नहीं। सड़के साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो इस कंकाल के बारे में थोड़ी बातचीत कर लीजिए। हाँ विजित, इसमें बातचीत की क्या जरूरत है? देखो, एक कंकाल एक आदमी का है जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच थी और ये 30 साल का था जब ये मरा। ऐसा लगता है कि मरने के बाद भी खूनी लगातार इस पर वार करता रहा, चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। मतलब इसका चेहरा नहीं बन सकता। मौत किस वजह से हुई है? चेहरे पे चोट की वजह से? नहीं, इसकी मौत हुई है साइनाइड की वजह से। साइनाइड? और ये मत पूछना कि ये बात मुझे कैसे पता चली। सर, कैसे मालूम हुआ? मत पूछो कावेरी, बिना मतलब में टेढ़े हो जाएंगे ये। इसमें साइनाइड मिला हुआ है और इस बॉटल में हमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले हैं जिसे पता चलता है कि इसमें थोड़ा साइनाइड अभी भी बाकी है और ये साइनाइड 20 साल पुराना। 20 साल? मतलब ये आदमी 20 साल पहले मरा है। अरे बेटा, कैसी हो? अरे नमस्ते। नमस्ते, कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ अंदर है, मैं अभी बुलाती हूँ। माँ देखो कौन आया है, एसीपी साहब। एसीपी साहब आइए। नमस्ते। नमस्ते बहन जी, बस पास ही से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलकर जाऊं। अच्छा। ये मेरे सीआईडी टीम के मेंबर्स हैं, ये है इंस्पेक्टर अभिजीत और ये है सब इंस्पेक्टर कावी। वैसे माँ जी दिखाई नहीं दे रही है, तबीयत कैसी है उनकी? जी वो आशा, मैं अब तक जो बैठी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू इस जैसे आदमी के साथ बात करे जिसने तेरे पति को छोटे इल्जाम में जेल भिजवाया था। माँ जी, आज मेरा बेटा यहाँ होता तो इन लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। देखिए माँ जी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मैं यहाँ रोहित के लिए आता हूँ। रोहित की चिंता आप छोड़ दीजिए, बाप को तो जेल भिजवा दिया। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है इस बात का जिक्र मत कीजिए, आप जानते हैं ना रोहित इस बारे में कुछ नहीं जानता, अगर उसे पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा। ये खून और इश्क दो चीजें ऐसी है जो कभी छुपती नहीं है। सर, जिसने भी इसे मार के गाड़ा होगा उसे सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि 20 साल के बाद कोई इसे खोद के निकाल लेगा। कबरी, ये मानता हूँ कि उसने सोचा नहीं होगा, लेकिन उसे ये जरूर मालूम था कि खुदा ना खास्ता ये लाश अगर किसी को मिली तो इसकी पहचान आसानी से ना हो सके, इसलिए इसका मुंह तोड़ तोड़ के हलवा बना दिया है और बदन में से भी सारी चीजें निकाल ली गई है। एक गलती और की उस खूनी ने, वो साइनाइड की बॉटल, उसने वो साइनाइड की बॉटल वहीं फेंक दी। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 20 साल बाद डॉक्टर सालों के नाम का कोई आदमी आएगा जो देखते ही बता देगा कि उस सूखी हुई बॉटल में साइनाइड था। और सर, खूनी अपने निशान को भी तो बर्बाद नहीं कर सका। कौन सा निशान? वही सर जो उसके क्लेफ पे था, गड्ढा। करेक्ट। तो लावण्या, तुम और विवेक एक काम करो, पिछले 19-20 साल में जितने भी लोग गायब हैं उन सब की लिस्ट बनाओ और देखो उनमें से किसके ठुड्डी पर गड्ढा है। ठुड्डी पे? चिन पे गड्ढा है। देखो, जाओ जाओ जल्दी। यस सर। सर, वो बंगलो शायला के डैडी का है और लाश 20 साल पहले गाड़ी गई है। मतलब शायला के डैडी को मालूम ही होगा? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये खून शायला के डैडी ने किया या फिर करवाया? लेकिन क्यों? क्यों सर? हाँ। हमें 7 लोगों के नाम मिले हैं, उसमें से सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है जिसके चिन पे गड्ढा है और उसका नाम है प्रीतम। सर, इस प्रीतम के चोरी का इल्जाम लगा। कैसी चोरी? सर, इसने एक नेकलेस चुराया था, वही नेकलेस जो अभी चोरी हुआ है। क्या? अभी चोरी हुआ है? यस सर। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर की बेटी शायला का डायमंड नेकलेस चोरी हो गया, उसके बाद में वो नेकलेस
जूते में मिल गया। नेकलेस जूते में मिल गया, जो 20 साल पहले हुआ 20 साल बाद वही हुआ फिर से। मतलब सर, वो नेकलेस, वो लाश, ये शायला के डैडी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सर मुझे तो लगता है कि उस आदमी का खून शायला के डैडी ने करवाया होगा। अभिजीत एक काम करो, तुम दया और कावेरी शायला के घर जाओ, उसे जरूर पता होगा इस प्रीतम के बारे में। प्रीतम? कौन प्रीतम? देखिए मैं किसी प्रीतम प्रीतम को नहीं जानती, और ये सवाल आप लोग मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप अचानक इतना कांपने क्यों लगी प्रीतम के नाम से? मैं कहाँ कांप रही? मैं नहीं कांप रही। मॉम आर यू ओके? आर यू ओके मॉम? शैला जी, 20 साल पहले भी आपका यही वाला हाथ चोरी हुआ था ना? What? मॉम, ये यहाँ पहले भी चोरी हुआ था? चोरी हुआ था या नहीं? हुआ था। और आपके उस हार चुराने का इल्जाम आपके ड्राइवर के ऊपर लगाया गया, उसी ड्राइवर का नाम प्रीतम था। और जो लाश आपके बंगलों में से मिली है वो उसी प्रीतम की है। शायद आपने उसका खून करके उसे जमीन पे गाड़ दिया। नहीं, मैं उसका खून कैसे कर सकती हूँ? मैं तो उससे प्यार करती थी। हाँ, मैं और प्रीतम एक दूसरे से प्यार करती थी, और हम दोनों भाग के शादी करने वाले थे। मैं नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई का पता किसी को भी चले, इसलिए उस दिन जब आप लोगों ने अलमारी की तलाश ली तो मैं घबरा गई थी, क्योंकि वो लव लेटर्स प्रीतम ने और मैंने एक दूसरे को लिखा था। आपने मिस्टर ईशा, आपके पास तो खून करने की वजह भी है। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरी जिंदगी में उसके बाद आए। हो सकता है इन्होंने वो लेटर्स देख लिए। देखिए, आप लोग इतना गंदा इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। मैं पहले ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड हूँ। अगर ये ईशान और शाला सच बोल रहे हैं तो फिर इस प्रीतम का खून किया किसने? लगता है ये शाला सच बोल रही है। अगर यार ऐसे ही चोरी हुआ था 20 साल पहले तो फिर शाला वही बात करके अपने आप को क्यों बताएंगे? जैसे घर वालों को मालूम हुआ कि शायला ड्राइवर के साथ भागने वाली है, उन्होंने उसकी शादी करवा दी फटाफट। इसे एक बात साफ है सर, घर वालों ने ही ड्राइवर को मरवाया है। दो बातें हैं दया, एक तो फोन किया किसने, दूसरा वो हार चुराया किसने, और एकदम वैसे ही वापस ला के रख दिया जैसे 20 साल पहले हुआ था। क्यों क्यों ये तो सोचना है कि क्यों? जिसे शायला की इज्जत का जुलूस निकालना होगा वही करेगा ये काम। हाँ, शायला से बदला ले रहा है। जरूर कोई बदला लेना है, पर कौन हो सकता है? सर कहीं कोई प्रीतम की मौत का बदला तो नहीं ले रहा है? हो सकता है, पर ये कोई प्रीतम का रिश्तेदार ही करेगा ना। कोई ऐसा रिश्तेदार जो 20 साल तक चुप रहा और अब अचानक उठ खड़ा हुआ है। हाँ, और ये जो भी कोई है वो जरूर शायला के बारे में सब कुछ जानता है। वो इनके आस पास का ही कोई है। सर अब हम उसे ढूंढेंगे कैसे? विवेक, डीएनए करके सबका डीएनए करवाओ। हमारे पास प्रीतम की लाश है, जिसका भी डीएनए प्रीतम की लाश के डीएनए के साथ मैच होता है वही उसका रिश्तेदार है। सर मुझे रिपोर्ट है 20 साल पहले वाली, उसमें प्रीतम का एड्रेस तो होगा ही। लावण्या, वो रिपोर्ट लाओ, देखो उस पर एड्रेस है क्या। यस सर। सर आपको लगता है 20 साल बाद भी कोई रह रहा है वहां पे? सर एड्रेस मिल गया। नमस्ते माँ जी। आप लोग? माँ जी हम लोग CID से हैं, आपसे थोड़ी बातचीत करनी थी। आप प्रीतम को जानती हैं? मैं उसकी सास हूँ। सास? प्रीतम की सास? सर इसका मतलब है प्रीतम की शादी हो चुकी है। प्रीतम बहुत ही घटिया आदमी था, उसने मेरी बेटी से शादी की और उसे बहुत दुख दिया। वो ऐसे बीमार हो गई कि अब तक ठीक ना हो पाई।
क्यों? आप खुद ही जाकर देख लीजिए। रेखा जी, हम आपसे प्रीतम के बारे में कुछ बात करने आए। प्रीतम, रेखा जी, आपके पति प्रीतम कहाँ है आपको कुछ मालूम है? रेखा जी, प्रीतम बैठिए, बैठिए। प्रीतम, प्रीतम, प्रीतम शांत हो जाइए, बैठिए। प्रीतम, नर्स जरा संभालिए। जब भी नाम सुनती हैं ऐसे ही डेट करने लगती हैं, और दिन में एक बार ये गुड़िया का सर मरोड़ कर तोड़ देती हैं। क्यों करती है अभी तक समझ में नहीं आया। किसी ने खराब कर दिया मेरे प्रीतम का चेहरा, किसी ने खराब कर दिया। जितने बालों के सैंपल तुम लोग लेकर के आए थे वो सब लेकर जाओ। केस जब कोर्ट में जाएगा जरूरत पड़ेगी, संभाल के रखना। और वो जो लड़कियों के बाल दिए थे डीएनए टेस्ट के लिए, वो भी कर दिए? कर लिए भाई, सब कर लिए। तो फिर देर किस बात की है बताइए ना, कौन सा आदमी है लड़की है जो प्रीतम का रिश्तेदार है? लिखे बताने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बता दो। लिख इसलिए रही हूँ सर क्योंकि नाम पढ़ने के बाद कहीं आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये तो यही सच है, ये ना टेस्ट कभी झूठ नहीं बोलता है। विश्वास ही नहीं होता। जिंदगी इसी का नाम है मेरे दोस्त। क्या पकड़ो? हमारी जिंदगी में हाल ही में कुछ दर्दनाक बातें हुई। मैं चाहती हूँ कि हम उन सारी बातों को भुलाकर आगे आने वाली अच्छी बातों पर ध्यान दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी बेटी दिया की कल फिल्म रिलीज होने वाली है। आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को फिल्म बहुत पसंद आएगी। दिया, क्या आप कल के लिए तैयार हैं? देखिए, हमें पता चल चुका है प्रीतम का वो रिश्तेदार कौन है जो इतने सालों तक छुपा हुआ था, और वो रिश्तेदार है दिया। क्या? मैं? हाँ, क्या ही प्रीतम की बेटी है। What? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? देखिए, डीएनए रिपोर्ट में जो कुछ है हम वही आपको बता रहे हैं। मैं किसी प्रीतम की बेटी नहीं हूँ, सिर्फ अपनी मम्मा और अपने पापा की बेटी हूँ। मैं किसी प्रीतम की बेटी नहीं हूँ। तो क्या डीएनए रिपोर्ट झूठ बोल रही है? जी हाँ, आपकी डीएनए रिपोर्ट झूठी है। ये जरूर आप लोगों की कोई साजिश है। जी नहीं, डीएनए की रिपोर्ट कभी झूठी नहीं होती। नहीं, मैंने डर के मारे सीआईडी को अपना डीएनए सैंपल दिया ही नहीं था। मैंने लोगों से झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? यही कि वो सैंपल मेरा है। तो फिर वो सैंपल था किसका? रिशिता, तुम? ओह, तो तुम हो प्रीतम की बेटी? तुमने किया था ये सब? हाँ, मैं ही हूँ प्रीतम की बेटी, और मैंने ही किया है ये सब कुछ। मैंने ही रमेश को पैसे दिए थे वो हार चुराने के लिए। जो जूते और फर्श पर खून था वो मैंने ही डाला था। क्या?
क्योंकि मैं इस औरत से बदला लेना चाहती हूँ। इसने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बाप शादीशुदा होते हुए भी इस औरत के चक्कर में पड़ गया। प्रीतम शादीशुदा, इतना बड़ा धोखा। जिस रात मेरा बाप शायदा के साथ भागने वाला था, मेरी माँ ने साइनाइड खिलाकर मारा था मेरे बाप को। ले चलो इसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.